अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मिरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी। ये है फ़िश पॉकेट फ्राई। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फ़िश ली है, बोनलेस फ़िश ली है 700 ग्राम, और मोटी मोटी लेयर ली है क्योंकि हमें बीच में से इसको कट भी करना है। देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी फिलिंग करनी है तो एक तरफ से कट कर देना है। और ये गार्लिक का पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, ये मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। पहले प्लेट में हमको पीसेस फिश के जो है वो अलग अलग करके रख देने हैं, फिर उसके ऊपर लहसुन का पाउडर छिड़कना है। अब मैं इसके ऊपर अदरक का पाउडर छिड़क रही हूँ तो सारे पीसेस पर आना चाहिए, इसलिए हमें इसको फैला के रखना है फिशेस को। ओके, तो उसके बाद अब मैं इसके ऊपर नमक छिड़क रही हूँ। ये देखिए, और ये काली मिर्च, ये भी मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। ये देखिए, सारी तरफ से छिड़क दिया है मैंने। उसके बाद मैं कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी, वो भी मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। मैंने सारी चीज़ें एक एक टीस्पून ली थी और मैंने उसको सारा ही डाल दिया था, क्योंकि हमें इसे दोनों तरफ से छिड़कना है। अभी मैं एक तरफ से दिखा रही हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो एक तरफ से जैसे हमने छिड़का है मसाला, वैसे हम दूसरी तरफ से भी छिड़केंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको फिश की मसाज देनी है, अच्छे से रब करना है जिससे मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए। ऑयल डालने से ये होता है, अगर हम विदाउट ऑयल इसको रब करेंगे फ़िश को, तो सारा जो मसाला है वो निकल जाएगा। ऑयल डालने से वो उसके ऊपर चिपक जाता है और अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने दोनों तरफ लगा दिया है और ये मसाला बिल्कुल निकल भी नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इस पर ऑयल डाला था, इससे ये ऑयल पे चिपक गया है जो मसाले थे वो। यहाँ पे मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्स लिया है। ये देखिए, अब ये जो हमें पॉकेट बनानी है तो हम इसके अंदर ये चेडर और मोज़रेला का जो है वो इसके अंदर रख देंगे। चीज़ जो है उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से अब कर करके हम रखते रहेंगे और ये बहुत आराम से बन जाती है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ जो होती है वो ऐसी चीज़ है, चीज़ मतलब ऐसी चीज़ है कि उसको अच्छे से अगर हम रैप भी करेंगे तो थोड़ी सी बाहर आती है, उसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाइए इसको, लेकिन अच्छी तरीके से थोड़ा सा उसको कॉर्नर जो है प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने किया है, ज़्यादा फिलिंग मत कीजिए। ओवर फिलिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, तो थोड़ी थोड़ी करके फिलिंग कीजिए। यहाँ पर मैंने 2 अंडा लिया था, 2 अंडे को फेंट दिया और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और अच्छी तरीके से लम्स फ्री मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी कि लम्स ना रहे इसके अंदर। ये हमने पोहा लिया है, पोहा को हमने ग्राइंड कर लिया था, ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं किया है लेकिन अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर दिया था, इसे पाउडर नहीं किया बिल्कुल हमने, इसे थोड़ा सा ये दरदरा है। तो यहाँ पे पोहा लेना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमने फ़िश पॉकेट बनाया है उसको मैं अंडे के अंदर जो है वो डिप कर दूँगी। ये देखिए, अंडे के अंदर अच्छी तरीके से डिप कर दूंगी, सारी तरफ अंडा लग जाना चाहिए, अंडा और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्स है वो लग जाना चाहिए। उसके बाद मैं इसको पोहा में डाल दूंगी, ये देखिए, और अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी। और उसके बाद मैं हाथों से प्रेस कर करके इसका जो कॉर्नर है जिसमें मैंने चीज़ भरी थी वो अच्छी तरीके से दबा दबा के बंद कर दूंगी। तो अच्छी तरीके से कवर कर लेना, पहले अंडे में अच्छी तरीके से आप डिप करेंगे, उसके बाद पोहा में डालेंगे, तो उसके बाद हाथों से दबा दबा के अपने पाम में रख के दबा दबा के आप उसके कॉर्नर जो है वो बंद कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम डीप फ्राई करेंगे, तो यहाँ पर ऑयल हमने गर्म कर लिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ी सी लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, पहले मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद पहले लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो ये जल जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। तो पहले इसे लो फ्लेम पे पकाइए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकाइए, आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं बाद में। तो मैंने इसको डाल दिया, ओवर क्राउडेड नहीं करना है इसको,
जितना आपकी कढ़ाई में आता है उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर इसको दूसरी साइड से भी ऐसे कर करके बहुत एहतियात के साथ पलट देना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, फ़िश से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन बताइए आपको रेसिपी कैसी लगती है। अगर आप लोगों को ऊपर से इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पोहा के अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। मुझे ये नॉर्मल अच्छा सा नेचुरल रंग ही इसका बहुत पसंद है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, पोहा वाइट होता है इस वजह से इसका कलर ऐसा आया, लेकिन ये बहुत डिलीशियस बनता है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इसके अंदर मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ऑरेंज कलर इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये बनके रेडी है। अभी मैंने देखिए मीडियम फ्लेम रख रखी है और उसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया था, तो अंदर बाहर दोनों तरफ से पक चुकी है। ये देखिए मैंने इसे कर दिया है डिश आउट, मेयोनीज के साथ डिश आउट किया है। और जब मैंने इसे कट किया था तो चीज़ जो है वो मेल्ट होकर बाहर आ रही थी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे कहने से आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगली रेसिपी में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी।